डेविड कैमरन के इस्तीफे के बाद थेरेसा मे ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया है। थेरेसा ने कहा कि ब्रिटेन के ईयू से अलग होने के बाद कई चुनौतियां सामने खड़ी हैं और हमें खुद को उनके लिए तैयार करना होगा। मार्गरेट थैचर के बाद थेरेसा मे ब्रिटेन की दूसरी महिला पीएम है। न्यूयॉर्क के मॉन्टगोमरी में एक सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। एक कार और कई ट्रक इस हादसे की चपेट में आ गए। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक दुर्घटना के बाद हाईवे को कई घंटों के लिए बंद रखा गया। पूरी दुनिया में अपनी शानदार कारों के लिए पहचानी जाने वाली कंपनी मर्सिडीज बेंज अपनी 130वीं सालगिरह मना रही है। इस मौके पर पेरिस में एक दिन की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें मर्सिडीज की शानदार कारों की नुमाइश की गई। आपको बता दें कि कार्ल बेंज और गॉटलिब डेमलर ने सन 1886 में जर्मनी में इस कंपनी की शुरुआत की थी। मॉस्को में फ्लाइट अटेंडेंट डे के मौके पर कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स के कैबिन क्रू ने रनवे पर कैटवॉक किया और अपना जलवा बिखेरा। इस फैशन परेड में सभी लोग अलग अलग तरह की ड्रेसेस में दिखाई दिए। जापान में 24 कैरेट सोने से बनी रग्बी बॉल को मित्सुकोशी डिपार्टमेंट स्टोर में बिक्री के लिए रखा गया है। इस बॉल का साइज रग्बी की ओरिजिनल बॉल के बराबर है और इसका वजन करीब 2.8 किलोग्राम है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक इस बॉल की कीमत करीब 38 मिलियन येन यानी करीब 3,73,000 डॉलर रखी गई है।